हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे नरेशन, और ये नरेशन का पार्ट फोर है। इस पार्ट फोर को देखने से पहले आप पार्ट वन, टू और थ्री आप ज़रूर देखें, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा, क्योंकि सारे जो रूल्स हैं वो इंटरकनेक्टेड रूल्स हैं। और इन सभी पार्ट्स को देखने के बाद में जो टफ सेंटेंसेज हैं और जो एक्सपेक्टेड सेंटेंसेज हैं SSC CGL के लिए, CPO के लिए और दूसरे सभी एग्ज़ाम्स के लिए, उन सभी की काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस मैं इस वीडियो कोर्स में आपको कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से चेंज करते हैं। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो होते क्या हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम किसी को या तो आशीर्वाद देते हैं, या उसको अभिशाप देते हैं, या उसको विश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख, जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्लेसिंग से संबंधित जो सेंटेंस होते हैं, ब्लेसिंग जिसको जिसमें हम बोलते हैं कि खुश रहो या भगवान आपका भला करे, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम विश करते हैं, या किसी को कर्स करते हैं, अभिशाप देते हैं या आशीर्वाद देते हैं, तो उस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सारे होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इसके सिंपल बेसिक रूल्स हैं, ज़्यादा कठिन रूल्स नहीं हैं इसके। ठीक है, इसमें मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जैसे ये सेट लिखा है, तो यहाँ पर इस सेट के स्थान पर यहाँ पर हम ब्लेस लिख देंगे, या प्रे लिख देंगे, या कर्स लिख देंगे, यो भी यहाँ पर मीनिंग निकलेगा। जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग मतलब आप काफ़ी दिनों तक जीवित रहें। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने सेट की जगह हम इसमें क्या कर देंगे, ब्लेस कर देंगे। ही ब्लेस्ड मी, ही सेट टू मी की जगह कर दिया ही ब्लेस्ड मी। तो यहाँ तक बिल्कुल समझना इसको बिल्कुल आसान है, ही सेट टू मी की जगह कर दिया ही ब्लेस्ड मी। और इस सेंटेंस में मतलब एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम कनेक्टर जो लगाते हैं वो डेट लगाते हैं, और उसके बाद जो सेंटेंस लिखा जाएगा वो अफर्मेटिव में लिखा जाएगा। अफर्मेटिव में लिखा जाएगा इसका मतलब ये है कि पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब आएगी, और वर्ब का टेंस आपको चेंज करना होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट में है। तो ये बेसिक रूल आपको समझना है, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। मे का हमने कर दिया माइट, और यू का हमने कर दिया आई। यू का हमने आई क्यों किया, क्योंकि ये यू जो है ये इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, तो इसलिए यू का हमने कर दिया आई और मे का कर दिया माइट। और इस सेंटेंस में ऐसे नहीं लिखेंगे हम कि दैट माइट आई लिव लॉन्ग, ऐसे नहीं, दैट आई माइट लिव लॉन्ग, इसको हम अफर्मेटिव में लिखेंगे और इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। तो ये सारे सेंटेंस नरेशन के जितने भी सेंटेंसेस हैं जो कि आपके मेंस एग्जाम में, CGL में और CPO में पूछे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिवली इनको आप कर पाएंगे। और कुछ सेंटेंसेस इसमें ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते, जिनको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल सेंटेंसेस, तो उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, द सेंट सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। तो यहाँ पर एक साधु है, वो मुझसे बोल रहा है कि मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, मतलब आप जिंदगी में आगे बढ़ें, आप जिंदगी में तरक्की करें। एक साधु ने मुझसे बोला कि आप जिंदगी में तरक्की करें। तो यहाँ पर ये साधु क्या बोल रहा है, यहाँ पर साधु या तो ब्लेसिंग इसको मान सकते हैं या विश मान सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर विश शब्द का यूज हुआ है। द सेंट विश्ड दैट आई माइट प्रॉस्पर इन लाइफ, तो यू को इसके हिसाब से चेंज किया है मी के हिसाब से, तो आई हो गया, मे का माइट हो गया, और बाकी सब सेम है, इसको हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से ये आपका आंसर बन जाएगा। और जब आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप एक सारे ऑप्शंस देख के आप आराम से सही आंसर्स तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछते हैं। पहले इनडायरेक्ट दिया रहेगा, पहले ये जो है इनडायरेक्ट, ये नीचे वाला सेंटेंस ये दिया रहेगा, और ये आपको आंसर में लगाना होगा। चलिए अब ये सेंटेंस देखते हैं। देखिए ये सेंटेंस है, दे सेड लॉन्ग लिव अवर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर काफ़ी दिनों तक जीवित रहें या लंबी आयु प्राप्त करें। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम प्रे कर रहे हैं भगवान से कि भगवान करे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर लंबे समय तक जीवित रहें, तो इसलिए यहाँ पर हमने प्रे लगा दिया इसमें, दे प्रे टू गॉड फॉर ए लॉन्ग लाइफ ऑफ देयर प्राइम मिनिस्टर। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। ये सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ग्रीटिंग वाले जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड नाइट ये सब बोलते हैं, ग्रीटिंग वाले जो वर्ड होते हैं,
ठीक है, तो इसमें हम बेड वर्ड का यूज करते हैं। जैसे बेड होता है फर्स्ट फॉर्म, बेड होता है सेकंड फॉर्म, और बिडन होता है थर्ड फॉर्म। बेड, बेड, बिडन, ठीक है। तो इसमें हम बिट का मतलब वैसे से ही होता है, लेकिन इसके स्थान पर हम बिट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, गुड बाय, आई विल सी यू टुमारो। उसने मुझसे कहा कि गुड बाय, और अब मैं आपसे कल मिलूंगा। तो टुमारो की जगह मैंने क्या बताया था एक्स्ट्रा वर्ड में, कि नेक्स्ट डे आएगा या द फॉलोइंग डे आएगा, तो फॉलोइंग डे लगा देंगे हम इसमें, ठीक है। और यहाँ पर आई की जगह क्या हो जाएगा, आई की जगह, हाँ, आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो ही बेड मी गुड बाय, देखिए, ही बेड मी गुड बाय एंड सेड दैट ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे। विल का हमने क्या कर दिया, वुड कर दिया, आई ही के हिसाब से चेंज हो गया, ठीक है। और इसमें दैट का हमने कनेक्टर, एज ए कनेक्टर प्रयोग किया है। तो ही बेड मी गुड बाय एंड सेड दैट ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। तो इस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें सरप्राइज होता है, जिसमें जिसमें कोई भी वर्ड हमारे मुंह से अचानक से निकल जाता है। जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं, हमारे चोट लग जाती है, तो ऊ हम बोलते हैं, आउच बोलते हैं। तो जो वर्ड्स हमारे मुंह से अचानक निकल जाते हैं, बिना प्लानिंग के निकल जाते हैं, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, ठीक है। और ये कन्वे करते हैं सोरो, जॉय एंड सरप्राइज। इसमें या तो आश्चर्य होता है, या दुख होता है, या जॉय होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं वाह क्या बात है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसमें भी हम देखिए, इसमें हम सेट के स्थान पर अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ये सारे फ्रेजेज इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो हम बोल सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये हम सेट के स्थान पर यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंस को मैं चेंज करके उसको सेंटेंस में चेंज कर देंगे। कनेक्टर इसमें भी दैट ही आएगा, ठीक है। और असर्टिव सेंटेंस हम यूज़ करेंगे, टेंस इसमें चेंज होता है, ठीक है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, ही सेड अलास आई एम रुइंड। उसने कहा, ओहो मैं तो बर्बाद हो गया, ठीक है। अलास क्या है, अलास दुख को व्यक्त करता है, दुख को। तो इसलिए यहाँ पर हमने बोला है ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, दैट इसमें आएगा। देखिए दैट हम इसमें कनेक्टर लगा रहे हैं, दैट ही वॉज रुइंड, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वॉज रुइंड, ये इसका आंसर होगा। और यदि ये इनडायरेक्ट में आता है, ये क्वेश्चन में आता है इनडायरेक्ट, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। दे सैड हुर्रा वी हैव वन द मैच, ठीक है। तो यहां पर ये खुशी के लिए बोल रहे हैं कि हुर्रे वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है, तो ये खुशी का सूचक है। तो इसलिए यहां पर हमने बोला दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। हैप का इसमें हमने क्या कर दिया, हैड कर दिया, ठीक है। और वी का हमने क्या कर दिया, वी इसके हिसाब से चेंज हो गया दे के हिसाब से। तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच, इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। इस सेंटेंस को देखते हैं, शी सेड अलास वी कांट अचीव सक्सेस। तो ये भी सोरो वाला सेंटेंस है, अलास मतलब सोरो। तो शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट दे कुड नॉट अचीव सक्सेस। इसमें कांट की जगह हमने, इसमें कांट की जगह हमने कुड नॉट लगा दिया यहाँ पर। ये सेंटेंस देखते हैं, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स ब्रेबो यू हैव फॉट वेल। ब्रावो का, ब्रावो हम तब बोलते हैं जब हम किसी की तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने अप्लॉडेड वर्ड का यूज़ किया है, द कैप्टन अप्लॉडेड द सोल्जर्स सेइंग दैट दे हैड फॉट वेल। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको आप अच्छे तरीके से याद करें, ठीक है। अब हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, कमांड होता है, जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मेरे को एक गिलास पानी ला के दो, प्लीज़ मुझे पेन ला के दो, या ऑर्डर कोई देता है कि यहाँ से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हेयर। ये सारे होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसमें ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, या कमांड होता है, ठीक है। इसमें हम कनेक्टर टू लगाते हैं, या अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू लगा सकते हैं हम। जैसे यहां पर आप देखिए ये सेंटेंस, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें मास्टर जो है वो सर्वेंट को क्या करेगा, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, ऑर्डर करेगा। तो इसलिए यहां पर ऑर्डर वर्ड का हमने इस्तेमाल किया है, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, और यहां पर ये इन्वर्टेड कॉमास हटा के हमने यहां पर लगा दिया है टू, यहां पर, ठीक है, ये टू लगा दिया है। और यदि ये नेगेटिव होगा तो हम नॉट टू लगा देंगे। जैसे ये नीचे वाला जो सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट ईट राइस। तो डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को एडवाइस करता है,
ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने एडवाइस वर्ड का यूज़ किया है, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू ईट राइस, डू नॉट है ना, यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो इसलिए हमने नॉट टू ईट राइस कर दिया। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। कुछ सेंटेंस हम और देख लेते हैं, लेट वाले सेंटेंस देखिए, इन सम सेंटेंसेस विद लेट वी डू नॉट चेंज सैड एंड यूज दैट एज ए कनेक्टर, लेट इज रिमूव्ड एंड शुड इज यूज्ड, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए जैसे ये सेंटेंस है, द टीचर सैड लेट नो वन डू दिस वर्क, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने इसका आंसर किया द टीचर सैड, सैड का सैड ही रहा लेकिन लेट की जगह हमने शुड का इस्तेमाल किया है। द टीचर सैड दैट नो वन शुड डू दिस वर्क, ठीक है, लेट को हटा दिया, उसके जगह शुड लगा दिया और कनेक्टर के स्थान पर इसमें हमने दैट लगा दिया। ये थोड़े से एक्सेप्शनल सेंटेंस हैं, ठीक है, इनको आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। ही सैड लेट अस वर्क हार्ड, देखिए जब हम लेट अस बोलते हैं, लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम सजेशन दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, ग्रुप को या किसी व्यक्ति को, तो इसलिए लेट अस वाले सेंटेंसेज में आप सजेस्टेड लगाइए। ही सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क हार्ड, लेट अस मतलब लेट अस में सारे लोग आ गए इसलिए इसमें हम वी लगाएंगे और यहाँ पर हम शुड लगाएंगे, शुड का मतलब भी सजेशन ही होता है। तो ही सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क हार्ड, इस तरह से ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। ही सैड लेट अस गो टू द मूवी, तो इसमें भी एक तरह का सजेशन है या प्रपोजिशन है, सजेशन प्रपोजिशन एक ही बात होती है, किसी को प्रपोज करना या सजेशन देना। ही सैड लेट अस गो टू द मूवी, उसने कहा कि चलो मूवी चलते हैं, तो ही प्रपोज्ड दैट दे, देखिए इसमें हमने दे लगाया है, दे शुड गो टू द मूवी, उसने कहा कि चलो मूवी चलते हैं, तो यहाँ पर ये बन जाएगा ही प्रपोज्ड दैट दे शुड गो टू द मूवी। अब देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग है, नीचे वाला जो सेंटेंस है, आई सेड टू दीपा, देखिए इसमें क्या था, ही सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हमने दे का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर आई सेड टू दीपा लेट अस बाय अ न्यू हाउस, ठीक है, तो आई सजेस्टेड टू दीपा दैट वी शुड बाय अ न्यू हाउस। जब आई ने दीपा से कहा तो ये दोनों मिलके वी बन गए, हम बन गए, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वी आया है, इसलिए यहाँ पर दे नहीं आया है, वी आया है, ये आप ध्यान रखिए। आई सजेस्टेड टू दीपा दैट वी शुड बाय ए न्यू हाउस, यदि आप यहाँ पर कर देंगे आई सजेस्टेड टू दीपा दैट दे शुड बाय ए न्यू हाउस, तो ये गलत हो जाएगा। आई सजेस्टेड टू दीपा दैट वी शुड बाय अ न्यू हाउस, क्योंकि सैड जो है, आई जो है वो दीपा से कुछ बोल रहा है, ठीक है। कुछ और सेंटेंस देखते हैं हम, देखिए एक ये सेंटेंस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें दो सेंटेंस मिले हुए हैं। रीमा सेड टू मी लेट अस सेलिब्रेट एक्समस, रीमा ने मुझसे कहा कि चलो एक्समस मनाते हैं, ठीक है, और मैंने कहा नो लेट अस नॉट, ये पूरा सेंटेंस एक ही है, तो इसका आंसर क्या होगा, रीमा प्रपोज टू मी दैट वी शुड सेलिब्रेट एक्समस बट आई डिड नॉट एग्री टू हर प्रपोजल। अब यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस में नॉर्मली कुछ रूल्स अप्लाई नहीं होते, इसको आपको अपने लॉजिक से करना होगा। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति बोल रहा है कि रीमा ने पहले कहा मुझसे कि चलो उस क्रिसमस मनाते हैं, उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने उस ऑफर को मना कर दिया, आई सेड नो लेट अस नॉट, ठीक है, मैंने मना कर दिया, तो इसलिए उसका सेंस डालने के लिए यहाँ पर हमने बोला है बट आई डिड नॉट एग्री टू हर प्रपोजल, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको आप देखें, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस पर रूल्स जो हैं वो अप्लाई नहीं होते और इनको आपको अपने लॉजिक से करना होता है। रवि सेड टू द मैनेजर लेट मी गो होम, रवि ने मैनेजर से क्या बोला कि मुझे घर जाने दिया जाए, मुझे घर जाने दो, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम, और लेट से भी बन जाएगा, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ठीक है। तो इस वीडियो क्लास को आप दो तीन बार देखें, आपको ये सारे फैक्ट्स अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, इसका PDF भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे तरीके से, उतना करेक्टली इन सेंटेंसेस को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था नरेशन का Part 4, और इस पार्ट को देखने से पहले आप Part 1, 2 और 3 आप ज़रूर देखें, डेफिनेटली आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं PBSR के क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैं इस वीडियो कोर्स में आपको करवाऊंगा, और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। और अप्लाइड ग्रामर वाला जो पार्ट है उसके सारे वीडियो आप ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि SSC एग्ज़ाम्स में ग्रामर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।